जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त साहिल कोचिंग जंक्शन से। आधुनिक भारत की सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं 1942 का कृषि मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 का कृषि मिशन दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो आपको समझाया था कि किस तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरुआत हुई तो भारतवासियों ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया अंग्रेजों का। ऊपर से पूरा से चले आ रहा था भारत तरफ जापान, और तीन राष्ट्रों के मुखिया ने समझाया चर्चिल को कि भैया इनका समर्थन तुम्हें लेना ही होगा, कुछ तो करो। परिणाम रहा, चर्चिल ने भेजा एक लॉलीपॉप जिसका नाम था कृषि मिशन 1942। क्या कहता है, कुछ एक बात तो नहीं कही, बहुत सारे प्रावधान तो कह रहा है, लेकिन एक थोड़ी सी नई बात है जो पहली बार हो रही है। कह रहा है कि ठीक है आप संविधान सभा बनाओ, वो भी संविधान सभा कैसे, निर्वाचित संविधान सभा, मतलब चुनाव होगा, उसके बाद लोग बैठेंगे और संविधान सभा में उसके बाद संविधान वगैरह बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन भैया ये बात होगी आफ्टर वार, मतलब उन्होंने कहा ये सब चीजें हम देखेंगे कब, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा तब। और गांधी जी पहले धोखा खा चुके थे, याद है, सर्जेंट उपाधि इसलिए तो मिली थी प्रथम विश्व युद्ध में, जब उन्होंने क्या कराया था 1914 से 1918 के बीच में भारतीयों की सेना में भर्ती, और इस बार वो गलती दोबारा कर नहीं सकते। उन्होंने कहा बहुत हो गई, पोस्ट डेटेड चेक जो है ना अपने पार रख रहे हो, मतलब पोस्ट डेटेड चेक क्या कह देते हैं, पोस्ट डेटेड चेक कौन कह रहा है, गांधी जी किस मिशन को कह रहे हैं। ठीक है, क्या नया प्रावधान है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें, बोल तो रहा है संविधान सभा, लेकिन कैसा भैया, निर्वाचित संविधान सभा, कैसी निर्वाचित संविधान सभा की बात की जा रही। ठीक, अब देखिए गांधी खफा है ना, तो कांड करते हैं, ये गुस्सा हो जाते हैं ना तो फिर छोड़ते नहीं। और आप जानते हैं पहले भी ये बोल चुके हैं कि बात मानो मेरी भैया, चाहे कांग्रेस वाले हो चाहे तुम पार्टी वाले तुम हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ मेरी बात मानो, चाहे अंग्रेज तुम मानो, वरना इस देश की मिट्टी के एक कण से इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा कि संभाल नहीं पाओगे। और वही होता था, नमक का कण और उससे आंदोलन नहीं कर देते, नमक से आंदोलन, यार दांडी मार शुरू कर दिया। आप देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन हालत खराब कर दी लोगों की, छोटे छोटे चीजों से हालत खराब कर रहे गांधी। तो भैया सिंपल सी बात, 1942 में एक नया रूप देखने को मिला गांधी जी का कृषि मिशन के प्रस्ताव को देखने के बाद, कि बिल्कुल मूड नहीं है भैया छोड़ने का अंग्रेजों का भारत को, और अगर अब भी हम इनसे नहीं लड़ेंगे, अब भी अगर हमने कठोर कदम नहीं उठाया तो ये नहीं छोड़ के जाने वाले। परिणाम रहा, भारत में एक नया मोड देखने को मिला भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, गांधी का एक नया रूप देखने को मिलता, नया अवतार देखने को मिला, जब उन्होंने कहा डू और डाई, करो या मरो का नारा दे दिया, देख रहे हैं। परिणाम रहा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942। दोस्तों अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ऊपर से लेते चलिए किस तरीके से कृषि मिशन 1942। ठीक, पोस्ट डेटेड चेक कौन कह रहा है, गांधी जी बोल रहे हैं। उसके बाद परिणाम रहा भारत छोड़ो आंदोलन और गांधी जी का एक रुख देखने को मिला, जिससे आप क्या कह रहे हो, डू और डाई भैया। और यही छोड़िए, अब तो नेता ध्यान ही नहीं दे रहा है, मतलब नेता तो जेल में है, ब्रिटिश साम्राज्य समझ चुका है कि भैया अब नेता को बाहर रखना ही नहीं, हमें स्ट्रिक्टली काम करना होगा। पूरे कांग्रेस में बैंड लगा दिया, उनको उठा के जेल में डाल दिया, लेकिन फिर भी आंदोलन चल रहा है। जानते हैं क्यों, वही जो गांधी जी ने चलाया था 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह, उसका फल अब देखने को मिल रहा है। क्या जनता को जागरूक कर चुके हैं, गांव गांव जाकर के लोगों को लालच दे चुके हैं क्या कि स्वतंत्रता क्या है, उन वही 28 महीने की सरकार। तो अगर हमारी सरकार आएगी तो फिर से सोच लो कितना मजा है। तो देखते हैं आप उस स्वतंत्रता का पहला नशा जो मिला था ना भारतीयों को, उसके लिए लड़ने पे उतारू हैं। और एक आह्वान डू और डाई, टूट पड़ती है जनता और समानांतर सरकार पहली बार बनाई जा रही है भारत में। किस आंदोलन के दौरान दोस्तों, बिल्कुल बलिया है ना, सतारा चित्र पांडे वगैरह सब क्या कर रहे हैं भैया, समानांतर सरकार का निर्माण। अब आप देखेंगे अंग्रेज हो गए परेशान, और उसी दौरान एक योजना, क्योंकि लीलिंद को वायसराय हट गया, वेवेल आ गया, तो वेवेल योजना लेकर के आते हैं कब, उसी में 1945 में। क्या कह रहे हैं दोस्तों, वो कह रहे हैं ऐसा है, चलो हम शिमला में क्या करते, समझौता करते, सम्मेलन करते, शिमला में आओ सम्मेलन करते, शिमला सम्मेलन क्यों, ठंडा इलाका है, थोड़ा दिमाग ठंडा रहेगा तुम लोगों का, फिर मीठी मीठी बातें करेंगे। लेकिन भैया यहां पर हो गए वो फेल, क्यों, खुद ही बोके गए थे ना मिर्चा, तो कहां से मीठी मीठी बातें होंगी, मतलब वो शिमला समझौता बलि चढ़ गया, किसके, वही मिर्चे के, सांप्रदायिकता का जो मिर्चा है उसमें मीठी मीठी बातें इनकी काम नहीं हो पाई। अब क्या होगा भैया, होगा क्या, कुछ नहीं, वहां चुनाव हो गया कहां, ब्रिटेन में उसी दौरान शिमला समझौता क्या हो गया दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेते चलिए वेवेल की योजना आती है, किसके जगह लिलिंदको के स्थान पर वायसराय बनकर के बाहर आते हैं, शिमला में सम्मेलन करने की बात बोली, लेकिन परिणाम रहा शिमला असफल रहा। असफल होने की क्या कारण थे, मैंने आपको बताया ना, वही मिर्चा जी बो गया था। लेकिन उसी बीच चुनाव हुआ कहां पर, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही, आप देखेंगे ब्रिटेन में चुनाव हो रहा है, क्लेमेंट एटली क्या बने, प्रधानमंत्री बने लिबरल पार्टी से, और उनका मानना तो यह है कि भैया अब देश को आजाद कर ही दिया जाए, किसको, भारत को। तो वो क्या करते हैं दोस्तों, वो अपनी कैबिनेट के कुछ सदस्यों को भेजते हैं कहां पर, भारत में, इसीलिए इसको कहते हैं कैबिनेट मिशन। और उसका अध्यक्ष कौन है, पेंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिस भी इसके सदस्य है, ठीक है, एवी एलेक्जेंडर भी इसके सदस्य है, अच्छा, लेकिन अध्यक्ष मैंने भी बताया ना पेंथिक लॉरेंस। अब कैबिनेट मिशन जब आता है ना, तो भैया ये तो खुल के काम कर रहा है,
ठीक, और आप देखेंगे एक प्लान भी तैयार करता है और इसी प्लान के आधार पर आगे चल करके एक योजना आ रही है जिसे आप कहते हैं माउंटबेटन योजना। और माउंटबेटन योजना के आधार पर 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आता है जिससे हमारा देश क्या होता है, आजाद हो जाता है। और आप देखेंगे पाकिस्तान और भारत दो स्वतंत्र राज्य बन जाते हैं और अपना अपना संविधान, और ये छूट मिलती है कि अगर आप चाहे कॉमनवेल्थ में शामिल होना चाहते तो हो जाइए, नहीं होना चाहते तो ना। कॉमनवेल्थ किसे कहते हैं दोस्तों, आपको पता है वो अपनी वे जो कभी ब्रिटेन के अंडर में हुआ करते थे वो सब क्या है, कॉमनवेल्थ राष्ट्र कहलाते हैं। इनको कुछ विशेष छूट भी मिलती है आपस में आना जाना व्यापार को लेकर के, और कॉमनवेल्थ गेम भी होता है हर 4 साल में। ये देखिएगा इसमें कौन सा देश आएंगे, कभी मैं जनरल अगर करंट अफेयर क्लास चलाऊंगा तो उसमें आपको इस चीजें बताऊंगा कि भैया कॉमनवेल्थ गेम में वही राष्ट्र आते हैं जो कभी किसके उपनिवेश थे, बिल्कुल सही कहा, ब्रिटेन के। इसलिए वहां पर राजदूतों को कुछ और नाम दिया जाता है, जैसे भारत का राजदूत अगर ईरान में जाएगा तो उसका कुछ और नाम है, लेकिन वही अगर ब्रिटेन का कोई उपनिवेश वहां जाएगा तो उसका कुछ और नाम होता है। दोस्तों वो तो मैं आगे आपको कैबिनेट मिशन और भारतीय संविधान में बताने वाला, वो मैं संविधान बताऊंगा, अभी मैं बताने वाला हूं कैबिनेट मिशन के बारे में। कैबिनेट मिशन 1946, भैया द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है 1945 में ब्रिटेन में, आम चुनाव होता है, क्लीमेंट एटली क्या कर जाते हैं, क्लीमेंट एटली क्या कर जाते हैं, जीत जाते हैं। अच्छा, उनके नेतृत्व में एक सरकार बन रही है, कौन सी, लेबर पार्टी का उदारवादी सरकार है ये, ठीक है, उदारवादी सरकार है। और आप देखेंगे तीन मंत्री ये अपने कैबिनेट के, कितने मंत्री, तीन मंत्री अपने कैबिनेट के भेजते हैं भारत, एक है पेंथिक लॉरेंस, दूसरा है स्टेफोर्ड क्रिस, तीसरा है एवी अलेक्जेंडर। अध्यक्ष कौन है दोस्तों, पेंथिक लॉरेंस है। अब इसमें क्या नई बात हुई, भैया वही नई बात हुई जिससे आप देखेंगे पूरा संविधान सभा का चुनाव हो रहा है, ठीक है, और कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी, 210 सीट जीत जाएगी और मुस्लिम 73 सीट में अटकी रहेगी, और परिणाम रहा वो सीधी कार्रवाई, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित कर देते हैं 16 अगस्त 1946। दंगे होते हैं, नोआखाली बनता है केंद्र, जो कमजोर आदमी होता है ना, मुस्लिम ने भी सपोर्ट नहीं किया ना, मुस्लिम क्या सोचती थी, भैया मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार है, हमें तो मुस्लिम जिताएंगे जिताएंगे, भैया जिताए मुस्लिम, वही जिताए जो प्रभावित था दंगों से, जो दंगों से प्रभावित होता है ना वो इलाका, वहां पर भाई विशेष सांप्रदायिकता का एक माहौल बना ही रहता है, हिंदू हिंदू को सपोर्ट करेगा, मुस्लिम मुस्लिम करेगा, लेकिन भारत की जो मुख्य भूमि है वहां पर तो दंगा हुआ नहीं, और वहां के हिंदू आज भी कांग्रेस को और मुस्लिम भी कांग्रेस को, यानी दोनों ही किसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो मेन संस्था है देश को आजाद कराने में योगदान निभा रही है कांग्रेस को, वहां मुस्लिम को सपोर्ट नहीं हो रहा, मुस्लिम की हालत खराब की यार, ये क्या मतलब, हमें अभी भी लोग नहीं पसंद कर रहे इतना कुछ हो जाने के बाद भी, मतलब हमारे ही लोग मुस्लिम ही हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो परिणाम रहा जहर घोलना शुरू कर दिया और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित करके दंगे फैलाने शुरू किए और नोआखाली केंद्र बनाए जहां ये पहले से हावी थे, और बात फैली कि हिंदू मुसलमान में लड़ाई होगी, पूरे भारत जहां शांति व्यवस्था है, मध्य भारत पूरे बीच के इलाके में, वहां भी अशांति फैलना शुरू हो गया। देख रहे हैं आप किस तरीके से नेता लोग अपने फायदे के लिए कुछ भी कर लेते हैं, और आगे चल करके एक जमाना ऐसा आता है कि वो भारतीय मुस्लिम जो कभी इस डर से भाग गए पाकिस्तान में, उनकी एक किताब लिखी गई जिसमें वो रो रहे होते, कहते हमें तो ठगा गया साहब, काश हम आज पाकिस्तान में, भारत में ही होते, पाकिस्तान में ना होते। तो वो तो खैर आगे की बात है, आफ्टर किस तरीके से भारत जब आजाद हुआ तो क्या क्या हुआ। इस मिशन ने कहा कि आप अंतरिम सरकार बनाइए, मतलब लड़ाई हो रही कोई बात नहीं, पहले आप एक अंतरिम सरकार बना लीजिए, फिर स्वतंत्रता के बाद ही बनेगा आपकी संसद। तो आप देखेंगे अंतरिम सरकार बनाने की पूरी छूट हो गई है, और संविधान निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन, जिसका लिए होगा चुनाव, ठीक दोस्तों, उसके लिए क्या होगा, चुनाव होगा। चुनाव में क्या होगा देखिए वो, हाँ एक थोड़ा सा क्वेश्चन आपसे कभी कभी ये पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा किसने इस संविधान सभा निर्माण किया जाए, संविधान ऐसे ही ना बना दिया जाए किसी के द्वारा, या ब्रिटेन हमें संविधान लागू ना कर दे बल्कि हम अपना संविधान खुद बनाएंगे और उसके लिए एक सभा बनेगी, वो सभा बनेगी किस लिए, संविधान बनाने के लिए। ये कौन से सबसे पहले कौन दे रहा है, तो स्वराज पार्टी ने दिया था 1924 में, कब दिया था, और आप देखें कांग्रेस जो है, गांधी नहीं, कांग्रेस कब इसको अपने अपने इस मांग को स्वीकार करती किसी अधिवेशन में, तो वो अधिवेशन था फैसबुर का अधिवेशन, वो भी 1937 का। ये दो क्वेश्चन थोड़ा सा एमएन राय का भी लेकर कभी कभी पूछ लेते हैं। अब देखिए होता क्या है, ब्रिटिश प्रांतों की टोटल सीट कितनी है भैया, 296, कितना जीत लिया 208, कितनी मुस्लिम लीग को मिल रही है 73 सीट, मतलब कांग्रेस पा गई कितना, देख रहे हैं है ना, आगे तो आप देखें 210 पे भी पहुंचे, और 73 सीट किसको मिल रहा है, मुस्लिम लीग को। मुस्लिम लीग की स्थिति क्या दिख रही है, कमजोर दिख रही है, परिणाम रहा जहर घोल रहे हैं, नाग ने फन बढ़ाया, क्या कर रहे हैं, 16 अगस्त 1946 क्या घोषित कर दिया, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, मतलब साफ साफ दंगे, कोई उसमें वही नहीं, और वही जहां इनका केंद्र है नोआखाली,
और सेंटर भी वही बनता है। लेकिन भैया ये जगह जब दंगा होता है तो उसका असर हर जगह होता है, और क्योंकि पहले से डरवा के रखा, अंग्रेजों ने भी मुस्लिम को डरवा के रखा कि यार हिंदू राष्ट्र तुम परेशान हो जाओगे, या हिंदुओं की संख्या ज्यादा तुम्हारी कौन सुनेगा, ऊपर से मुस्लिम लीग भी यही काम कर रही है, देख रहे हैं? तो मतलब ये तो संख्या में थोड़ा ऊपर से लोगों डरवा के रखा हुआ है उसे, और वहीं में दंगे हो गए, अब गलत सूचना है कि अरे यार वहां तो ऐसा हो गया, वहां ऐसा हो गया, ये भी परेशान किया, क्या करें अब, तो मरने और मरने की स्थिति आ गई, जियो या मरो वाला कॉन्सेप्ट, आगे कुआं पीछे खाई, देख रहे हैं? तो इसका दिमाग क्या है, भ्रष्ट है, अब इसको समझ में नहीं आ रहा है, इसको बोलो पाकिस्तान चलो, ये चला जाएगा पाकिस्तान, डरा हुआ है ना। मगर कुछ ऐसे मुस्लिम्स जो नहीं जाते छोड़ करके, उनको कहते हैं हम मरेंगे तो इसी मिट्टी में, हम मरने दो, हमें, हम जिए भी इसी मिट्टी में, मरेंगे भी इसी मिट्टी में। तो आप देखते हैं आज वो मौजूद, अब देखिए अपना घर घोषित किया और यही रह गए भारत में। देखिए माउंटबेटन योजना आ रही है, ठीक दोस्तों? अच्छा, माउंटबेटन योजना क्या कर रही है, तो सिंपल सी बात है, वो कार्रवाई रोए दिवस देख करके सब परेशान है, बाद में गांधी जी भी मान ही जाते हैं कि ठीक है भैया आप कोई और रास्ता है नहीं, वल्लभ भाई पटेल भी कहते हैं कि यार अगर हम ना बंटवारा करें ना तो ऐसे पता नहीं कितने पाकिस्तान बन जाएंगे, ये पता नहीं कितने दंगा हो जाएगा यहां पर। तो होता क्या है, माउंटबेटन योजना ये सब चीजों को लेकर के सुलझाने के लिए आती है, सत्ता के हस्तांतरण के लिए। और आप देखेंगे विवेल की जगह कौन बनाया गया, हमारे यहाँ माउंटबेटन को बनाया गया वायसराय, जिसका परिणाम रहा। अच्छा, इसका अलग नाम भी है, ध्यान दीजिएगा, माउंटबेटन योजना 3 जून योजना भी कहते हैं इसको, और कभी कभी इसको क्या कहते हैं, देखिए कभी कभी इसको बालकन योजना भी कहते हैं, ठीक है ना, बालकन प्लान या 3 जून, ये दोनों ही किसका ही नाम है, असल में माउंटबेटन योजना का ही नाम है, ठीक है? अच्छा, क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान का बिल्कुल सही बंटवारा हो रहा है, 2 स्वतंत्र देश बन जाते हैं, स्वयं का संविधान बनाकर अपना लागू कर लेते हैं, और आप देखेंगे कि माउंटबेटन योजना को मूर्त रूप, ये तो सिर्फ योजना है ना, उसको अप्लाइड करने के लिए एक अधिनियम आया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो दोस्तों हो गया हमारा देश आजाद। ये रही पूरा इतिहास भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का, कि किस तरीके से कितने ही मेहनत के साथ हमने आजादी पाई, जिसको उस जमाने में तोड़ा खड़ा करने की कोशिश की किसने, अंग्रेजों ने, वो भी हथियार बनाया था सांप्रदायिकता को। आज भी कहीं ना कहीं हमारे दिमाग और जहन में ये जहर घोला हुआ है, जब तक ये रहेगा अंग्रेज जिंदा रहेंगे, हमें अंग्रेजों से स्वतंत्र अभी होना बाकी है इस सांप्रदायिकता से। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा और आने वाले वीडियो में तैयार रहिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए फिर से अलग चीज लेकर आने वाला हूं, जिसे आप कहते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, उसके लिए हम बहुत ही मजेदार क्लास लेकर के आने वाले। दोस्तों तैयार रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आगे शेयर करिए, ठीक दोस्तों? जय हिंद, धन्यवाद।